अपने नागपुर राइड सीरीज में वो एक ऐड कर लेंगे अपन, यहाँ से 70-75 किलोमीटर्स पे है, बहुत मज़ेदार होने वाला है ये भी, डाल देंगे, टेंशन नहीं चाहिए। सामने में जो दिख रहा है ना, वहीं पे अपने को जाने का है। वो जो है गिरड़ है, गिरड़ नीचे में है और ऊपर में दरगाह है, वहीं पे जाने का है अपने को। और एक्चुअली गिरड़ यानी कि जो मराठी में बरड़ बोलते हैं उसको, जो हिल जो रहती ना वो बरड़ बोलते हैं उसको, वो गिरड़ गिरड़ बरड़ ऐसा है वो मराठी में, इसकी वजह से वो गाँव का नाम गिरड़ पड़ा।
एक्चुअली अपन ने यहाँ पे इसलिए लगा है, यहाँ पे छाव है। अपना पर्पज यही है कि अपना गाड़ी की छाव में रहेगा। नागपुर से निकलने के बाद अपन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि गिरड़ है, यहाँ पे फरीद बाबा का दरगाह है और गिट्टू बाबा भी यहाँ पे देवस्थान है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करी अपन ने और यहाँ से अभी निकलते हैं अपने दरगाह के लिए, जो डेस्टिनेशन में तो पहुंच गए अपन, जो कि फरीद बाबा का है। देखिए भाई तो अपना गेट गिरट्टा, एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, जो मंकी बंदर लोगों का बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा खतरनाक, आपको दिखाऊँगा खतरनाक जो है सब दरगाह के लिए देते हैं। अपन दरगाह के पास पहुंच गया है। यहाँ पे जितने भी जो दिख रहे यात्री निवास, यहाँ पे ये लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि अब किसी का मन्नत कर रहता है, किसी की शादी के पहले का रहता है कुछ, इसके वजह से। भाई शर्मा गया कुछ होगा, मन्नत वन्नत होगा, उसकी वजह से वो यहाँ पे बलि देने के लिए लाए हैं। यहाँ पे गिड्डोबा करके हैं, तो वहाँ पे देते हैं ये बलि। एक्चुअली ये कुछ नया एक्सपीरियंस होगा अपने लिए, जो कि नया है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मतलब नॉन वेज वाले ज़्यादा है यहाँ पे, इसके वजह से अपन एकदम पास में नहीं दिखा पाएंगे। आज तो रोज बहुत कम है, पूरे दुकानें हैं, पूरी फूलों की है, प्रसाद की है। पीछे साइड का ये दरगाह है, पीछे साइड से अपन सामने से जाएंगे फ्रंट से। कम आए रहे कर कम लग आपके पैर पर अपना दर्शन तो हो गया है, फिर ये नारियल वगैरह फोड़ते हैं।
भाई दर्शन तो हो गया है बढ़िया, बहुत जल्दी हो गया क्योंकि आज इतना भीड़ भाड़ है नहीं। अभी मैं आपको दुकान जो है वो पूजा की ही दुकान है, बाकी तो और कुछ नहीं खाने की वगैरह, यहाँ पर खाना वगैरह बनाते उसकी दुकान है। भाई ये पूजा का सामग्री वाले भैया है, ये बता रहे कि ये जो दरगाह है बाबा आशिक फरीद, ये 500 साल पहले से यहाँ पे, पहले तो छोटा मंदिर था, छोटा दरगाह था, उसके बाद अभी बनाया गया बड़ा। और यहाँ पे जो है गिड्डों पर जो भगवान है वहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह मुर्गे वगैरह चढ़ाते हैं, तो उनका मंदिर नीचे में है। तो यहाँ पे खाना पकाते हैं ये सारे यात्री निवास जो है ना, यहाँ पे कमरे रेंट दिए हुए हैं एक दिन के लिए। यहाँ पे ये लोग वेज नॉन वेज का खाना बनाते हैं, यहाँ पे फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। चलिए आगे को मैं दिखाता हूँ, कच्चा चिवड़ा बहुत फेमस है यहाँ पे। भाई अपने को कच्चा चिवड़ा मिलाएगा 10 रुपये का, देखते टेस्ट कैसी है। बढ़िया चूड़ा बनाया भाई, मन दिल खुश हो गया। अगली बार भी आएंगे भाई का हाथ से चूड़ा खाएंगे। ये भाई लोग हैं, ये भी ये आसपास के गांव में रहते हैं, यहाँ पे भी एंजॉय करने आए हैं छुट्टी का मजा लेने। अरे भी अपने सब्सक्राइबर भी है, चलिए देखते बाकी बने नए, अभी नए बने आज ही बने हैं। ये अपने साथ ही है भाई लोग, अब लोग मिल गया ना एक जगह एंजॉयमेंट पर्पस से आए। चिवड़ा खाना अच्छा मिलता है इधर, कच्चा चिवड़ा फेमस है यहाँ पे। गिरड़ में आओगे दरगाह में आने के बाद जो भी प्रार्थना करोगे बिना चिवड़ा के पूरी नहीं होगी, खाने के बाद कच्चा चिवड़ा खाना जरूरी है। हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग तालाब है, तालाब में बोट टाइप की यहाँ पे मछलियाँ भी है, कछुए जो है ना कछुए भी बहुत सारे हैं। आप शाम के समय बहुत बढ़िया नज़ारा रहता है यहाँ पे, पूरा शांति रहती है यहाँ पे। अभी अभी तो बहुत क्राउड है पूरा धूप के कारण से, पूरा सच सामने का दरगाह है, छोटा बच्चा इतना ही चीज देख के डर गए लोग। पूरा लाइन से बैठे हुए ये यहाँ पे दरगाह है, दरगाह के कारण यहाँ पे दर्शन करने आते लोग। मेन तो पर्पज यहाँ पे खाना बना के फ्रेंड्स लोगों को या फैमिली मेम्बर्स को खिलाने का है, वही पर्पज है, बाकी तो यहाँ पे तो ना कुछ खास है नहीं।
जो भी पूरा बदरखा आतंक है यहाँ पे, बच्चे का नज़ारा भी देख लेंगे यहाँ पे यहाँ से ऊपर से कैसे दिखता है आजू बाजू के जो गांव है। मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे से फायरी आती है ऊपर, जो पीछे गांव से आते हैं यहाँ पे साकर पावली करके बोलते हैं। पीछे साइड में एक साकर पावली करके गांव है, वहाँ भी एक दरगाह है, वहाँ से पैदल आते हैं। पैदल जाते हैं पूरा पीछे का सागर पावली है ना बड़े उनको, ये पीछे का जो गांव जो दिख रहा है सागर पावली, यहाँ पे भी नीचे में एक दरगाह है, वहाँ से दर्शन करके लोग यहाँ से पायरी से ऊपर आते हैं। जो फरीद बाबा के जो दर्शन करना चाहते लोग यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं। यहाँ पैदल भी आ सकते हैं, इधर से गाड़ी का भी रास्ता है, गाड़ी भी आ सकती है यहाँ पे। आजू बाजू गाँव वाले लोग हैं यहाँ पे, कितना सुंदर ऊपर भी कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है आपको। भाई पैदल आए के इधर से सागर बावली से, कितनी पायरी है इधर? 550 गिनने का था ना, आना है तो मजा लेके आने का ऊपर। भाई यहाँ पे गिरेट में अपन आए हैं, यहाँ पे ये ब्लॉगर लोग हैं वर्धा के, ये भी अभी बता रहे हैं ये सब फूडी लोग हैं। ये जितने भी ब्लॉग बनाते हैं सब फूड के ऊपर डिपेंड है, जो भी बनाते हैं आप देखना माय ब्लैक प्लेट। ओके, थोड़ा अजीब नाम है मगर उनका मैंने चैनल सर्च किया, बहुत बढ़िया, मुंह में पानी आ गया खाली वो थंबनेल देख के ही। देखिए आप भी देख लीजिए माय ब्लैक प्लेट, ये दोस्त लोग बन गए हमारे, ये भी ब्लॉगर है इसी के कारण। चलिए मिलते बाकी का ब्लॉग। 550 पायरी चढ़ के आइए भाई लोग। अभी नीचे जाने के लिए क्या हाल होता है वो देख लेंगे। भाई अभी निकलते हैं अपन, बहुत गर्म हो गया ऊपर से, अभी अपन गाड़ी से अपन निकलते हैं अपना डेस्टिनेशन नागपुर। भाई गिरण में आओगे तो हॉर्स राइडिंग करे बगैर जाने का नहीं भाई, बहुत कम पैसे लेके यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करता है, छोटे बच्चों को लेके मेरे हाइट तक चल जाते सर। दरगाह का भी दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है। यहाँ पे बाकी भी लोगों से बात हुई है, एक दिन के लिए बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे नागपुर से 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये बाय रोड आओगे तो दो रास्ते हैं, एक तो उमरेड के तरफ से और दूसरा चंद्रपुर रोड से, जाम से लेके समुद्रपुर करके आएगा, वहाँ से गिरट किसी को पूछोगे तो कोई भी बता देगा, यहाँ फेमस जगह है पूरा खाना बनाने का साथ। तो एक ही रूम मिलती है, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, 200-300 रुपये लेते हैं एक रूम का, दिन भर के लिए रहता है ये सारा, सब वेज नॉन वेज सारा कुछ यहाँ पे रहता है, पूरा बढ़िया गेट बनाया हुआ है। भाई गिरट
भीड़ में आने के बाद बाबा फरीद का दर्शन तो हो गया, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ दरगाह में। उसके बाद बाकी के जो कच्चा चिवड़ा है, बाकी के दुकानें वगैरह घूमे हम लोग, उसमें बहुत बढ़िया कंफर्टेबल। यहाँ पे एक दिन का तो बनता है, अगर खाना भी लाना है यहाँ पे बनाने का भी है, अंदर में भी रूम से और बाहर में जो भी शॉप है वहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा जगह दी हुई है यहाँ पे बनाने का। तो आप जब भी प्लान करेंगे गिरट का, आप वेज नॉन वेज जो भी लेके आना है यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और बाबा का दर्शन करने के बाद यहाँ पे कच्चा चिवड़ा बोलिए, यहाँ पे घूम भी सकते ऊपर में, और यहाँ पे खाना बनाने का भी जगह है यहाँ पे, और अंदर में रूम भी मिल जाता है यहाँ पे 200-400 रुपये में रूम भी मिल जाता है। और सारी चीज़ें मैं बताने के बाद अभी ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अभी निकलते हैं अपना डेस्टिनेशन नागपुर। चलिए बॉस, मिलिए अगले ब्लॉग पे रैडम मैन रवि के।